हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शेजवान चटनी, इसे मोमोज चटनी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शेजवान चटनी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हम 15 से 20 सूखी मिर्च लेंगे, लाल सूखी मिर्च। और 15 से 20 कलियां लेंगे लहसुन की, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। और मिर्च को हम 4 से 5 मिनट तक उबालेंगे। आप चाहें तो मिर्च को पानी में भीगने के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि भीगने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी मिर्ची। तो हमारी मिर्ची बॉयल हो चुकी है। अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और फिर हम उसमें लहसुन डालेंगे और उसके बाद फिर अदरक डालेंगे। और इन सब को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, हल्का ब्राउन होने तक। शेजवान चटनी में फ्रेंड्स, थोड़ी तेल ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि ज़्यादा तेल रहने से ज़्यादा दिनों तक कप रख के खा सकते हैं घर में। ये लगभग हमारा लहसुन और अदरक भुन चुका है, हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, जिसे कि हमने दरदरा पीसा है। और 2 से 3 मिनट तक फिर इसे पकाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें जितनी भी सामग्री है सभी को दरदरा पीसना है। हमने लहसुन और अदरक को भी दरदरा ही पीसा था, दरदरा से थोड़ा दानेदार आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा टेस्ट उसका। आप इसे चाहें तो मोमोज के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे, थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है, थोड़ी गाढ़ी रखनी है। बाज़ार में जो मोमोज मिलते हैं, इसी प्रकार की चटनी का प्रयोग करते हैं वो। अब बारी आती है टमाटो केचप डालने की। तो ये लगभग हमने 2 चम्मच के आसपास टमाटो केचप का प्रयोग किया है, छोटी चम्मच। और इसे मिलाएंगे। और हम इसमें फिर सोया सॉस डालेंगे, लगभग आधी चम्मच के आसपास है। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे आप फ्रेंड्स विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने नींबू का इस्तेमाल किया यहाँ पे। खट्टापन के लिए नींबू या विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो हमने आधी से थोड़ी कम नींबू डाली है इसमें, 1/4 के आसपास। तो फाइनली हमारा ये पक चुका है। थोड़ी सी नमक डाल देंगे, नमक हमने पहले नहीं डाली थी। तो हमारा फाइनली ये तैयार हो गया शेजवान की चटनी। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, और देखने में लग रहा है ना दरदरा।
ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स, सेजवान की चटनी या मोमोज चटनी, ये बहुत ही दानेदार है। और आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं हो तो आप इसे सूखी मिर्च के बीज को निकाल सकते हैं। आपको तीखा कम पसंद हो तो आप मिर्ची को भीगने से पहले उसका बीज निकाल दें, उसके बाद भीगने के लिए दें, उससे तीखापन कम हो जाएगा। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो है ना बिल्कुल टेस्टी सेजवान की चटनी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।